आज हम बात करेंगे बाबा हरभजन सिंह मंदिर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कोई सैनिक मृत्यु पश्चात भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा कर सकती है? आप सबको यह सवाल अजीब से लग सकते हैं। आप सब कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है, पर सिक्किम के लोगों और वहां पर तैनात सैनिकों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा पिछले 45 सालों से लगातार हो रहा है। उन सबका मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 सालों से लगातार देश की सीमा की रक्षा कर रही है। सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले से ही उन्हें बता देती है, और यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों का कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आता है तो उसके बारे में वो चीन के सैनिकों को भी पहले ही बता देते हैं, ताकि बात ज़्यादा नहीं बिगड़े और मिलजुल कर बातचीत से उसका हल निकाला जा सके। आप चाहें इस पर यकीन करें या ना करें, पर खुद चीनी सैनिक भी इस पर विश्वास करते हैं। इसलिए भारत और चीन के बीच होने वाली हर फ्लैट मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम की एक खाली कुर्सी लगाई जाती है, ताकि वह मीटिंग अटेंड कर सके। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरावाला को, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। हरभजन सिंह 24वें पंजाब रेजिमेंट के जवान थे, जो कि 1966 में आर्मी में भर्ती हुए थे, पर मात्र 2 साल की नौकरी करके 1968 में सिक्किम में एक दुर्घटना में मारे गए। हुआ यूं कि एक दिन जब वो खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे तो खच्चर सहित नदी में बह गए। नदी में बहकर उनका शव काफ़ी आगे निकल गया। 2 दिन की तलाशी के बाद भी जब उनका शव नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपनी शव की जगह बताई। सवेरे सैनिकों ने बताई कि जगह से हरभजन का शव बरामद, अंतिम संस्कार किया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिक की उनमें आस्था बढ़ गई और उन्होंने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि जब बाद में उनके चमत्कार बढ़ने लगे और वह विशाल जनसमूह की आस्था का केंद्र हो गए, तो उनके लिए एक नए मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गंगटोक में जलेपा दरे और नाथुला दरे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1,000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा है। बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद से लगातार ही अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं। इनके लिए उन्हें बाकायदा तनख्वाह भी नहीं दी जाती। उनकी सेना में एक रैंक है, नियमानुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ साल पहले तक 2 महीने की छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था तथा 2 महीने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते थे उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें कि बड़ी संख्या में जनता इकट्ठी होने लगी थी। कुछ लोगों इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले मानते थे, इसलिए उन्होंने अदालत के दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाजा सेना के बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है, जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाए जाते हैं। बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहते हैं कि रोज पुनः सफाई करने पर उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सलवटें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।